नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली वन लाइनेस ट्वेंटी फाइव अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनेस कौन कौन सा है चेक करते हैं सबसे पहला ट्वेंटी फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ट्वेंटी फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में नवंबर no. एटीन से नवंबर ट्वेंटी वन तक ये प्रोग्राम कंडक्ट होगा नाउ अबाउट सिक्स थाउजेंड टॉप अकाउंटेंट्स फ्रॉम वन थर्टी कंट्रीज इस इवेंट को पार्टिसिपेट करेंगे वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स हर चार साल में एक बार कंडक्ट होता है सबसे पहली बार नाइनटीन नोट फोर में शुरू हुआ था एंड इस साल का थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी ये जो थीम है आप ध्यान दीजिएगा वैसे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ना दोस्तों ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड अंडर द चार्ट अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है जब भी कोई बॉडी पार्लियामेंट से बना हुआ कोई स्टैट्यूट से या फिर लॉ से बनता है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं तो इट इज़ फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स इन इंडिया इंडिया में जितने चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं उनके प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था उ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनिंग प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है एंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया का अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिव अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी आप ध्यान दीजिएगा इंडिया का लार्जेस्ट एंड दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट वैसे दोस्तों लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड कौन सा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ये यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है इसमें फोर लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड मेंबर्स है इन थर्टी कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ये ध्यान दीजिए अगला है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर साल ट्वेंटी थर्ड अप्रिल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट करते हैं टू प्रमोट द एन्जॉयमेंट ऑफ बुक्स एंड रीडिंग वैसे 1995 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड किया था अप्रैल ट्वेंटी को वर्ल्ड बुक डे और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे करके सेलिब्रेट करने के लिए तब से हर साल ये डे सेलिब्रेट होता है इसके अलावा अप्रैल ट्वेंटी थर्ड इज़ ऑल्सो द डेट ऑफ बर्थ और डेथ फॉर अदर फेमस ऑथर्स देखिए अप्रैल ट्वेंटी को फेमस ऑथर्स का डेट ऑफ बर्थ भी आता है एंड कुछ फेमस ऑथर्स का डेथ भी अप्रैल ट्वेंटी को हुआ है सचस मॉरिस ड्रोन हाल्डोर के लैक्सनेस व्लाडिमर नबोको जोसफ प्ला मैनुअल मिहिया हो एंड इस साल का थीम क्या है वर्ल्ड बुक एंड डे का रीड सो यू नेवर फील लो थीम हमेशा ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है अगला है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड बंग्लादेशी चैरिटी लीडर किशोर कुमार दास जी को 223 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है बाई क्यून एलिजाबेथ सेकंड इन ऑनर ऑफ इस एक्सेप्शनल वॉल्टरी सर्विस प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ओवर वन थाउजेंड टू हंड्रेड चिल्ड्रन फ्रम मार्जलाइज बैकग्राउंड तो किशोर कुमार दास जी ने क्या किया टू थाउजेंड थर्टीन में विद्यानोंडो करके एक एस्टैब्लिशमेंट सेटअप किया था जब स्टार्ट किया था उसमें केवल बाईस स्टूडेंट्स थे एंड नौ रन फाइव प्राइमरी स्कूल्स विच आर फ्री टू एक्सेस अब किशोर कुमार दास जी पाँच प्राइमरी स्कूल्स चलाते हैं जिसमें करीब बाईस सौ बच्चे पढ़ते हैं आज वेल आज फ्री अकेडमिक कोचिंग सेशन्स भी वो चलाते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाते हैं टू हेल्प चिल्ड्रन कंटिन्यू इन डू हायर एजुकेशन तो जो मार्जिलाइज बैकग्राउंडस हैं बेसिकली जो गरीब बच्चे हैं उन्हें अपने पढ़ाई में हेल्प करने के लिए इन्होंने विद्यानडो सेटअप किया था दो हज़ार तेरह में और बारह सौ से अधिक बच्चों को ये मदद करते हैं किशोर कुमार दास एक मील प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किए थे एक टकाई आहार

इंडिया को टोटल सत्रह मेडल्स मिला है वन गोल्ड फाइव सिल्वर एंड लेवन ब्रॉन्स और इंडिया का पोजिशन फिफ्थ है और टॉप किया है जापान ध्यान दीजिएगा नाउ इंडिया का मेडल विनर्स कौन कौन है चेक करते हैं इंडिया को एक ही गोल्ड मेडल मिला है मेंस फ्री स्टाइल में रवि कुमार दहिया जी को 57 किलो कैटेगरी में वैसे आपको पता है रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल भी मिला था लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल विनर्स कौन कौन है देखिए अंशु मालिक फिफ्टी किलो राथिका सिक्सटी फाइव किलो बजरंग पुनिया सिक्सटी फाइव किलो गौरव बेलियन सेवेंटी नाइन किलो और दीपक पुनिया एटी सिक्स किलो टोटल ग्यारह ब्रॉन्ज मेडल्स भी हैं अर्जुन की, सुनील कुमार नीरज हरप्रीत सिंह सचिन सरावत सुषमा शोकीन मनीषा नवीन सत्यवर्त कडियान एंड विकी अगला है सरमत मिसेर रशिया सक्सेसफुली टेस्टफेयर किया है सरमत मिसाइल इट्स ए न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दैट कैन रिपोर्टेडली स्ट्राइक एनी टारगेट इन द वर्ल्ड दुनिया में कहीं पे भी कोई भी टारगेट हो उसे सरमत मिसाइल हिट कर सकता है क्योंकि सरमद मिसाइल का रेंज है ग्यारह हजार किलोमीटर से अट्ठारह हजार किलोमीटर तक तब तो आप इमेजिन कर सकते हो रशिया से कहीं पर भी ये फायर कर सकता है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना यह है सरमद मोस्ट पावरफुल मिसाइल है दुनिया में विद द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ डिस्ट्रक्शन अब एक स्पेशलिटी ये है दोस्तों जितने एंडी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आजकल दुनिया में अवेलेबल है ये सरमत मिसाइल के सामने काम नहीं करेगा क्योंकि इसका जो इनिशियल बूस वेस है एक काफ़ी शॉर्ट है बहुत जल्दी ये अटैक करेंगे जितने भी एनिमी सर्वेलेंस सिस्टम से इन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे नौ पूरा नाम है आर एस टू सरमत नाटो नेम है सात सेकंड ए दस से ज़्यादा वार हेड्स को भी कैरी कर पाएंगे मैंने आपको पहले ही बोला था ये न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकोर्डिनेटल बैलिस्टिक विजेल है तो ये न्यूक्लियर वारहेड कैरी करेंगे दस से ज्यादा तो कितना खतरनाक है आप इमेजिन कर सकते हो रेंज मैंने आपको पहले बता दिया ग्यारह हजार से अठारह हज़ार किलोमीटर तक नौ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों ये सरमथ नाम कहाँ से आए दोस्तों स्टेपीस स्टेपीस के बारे में आपको पता होगा सेंट्रल एशिया का एक जोग्राफिकल रीजन है स्टेपीस में पाए जाने वाला एक नोमिक ट्राइब्स थे जिसका नाम था सरमथ डे सथेन रशिया यूक्रेन एंड कजाकिस्तान में रहते थे सरमत तो बेसिकली आपको इतना ही ध्यान रखना है सरमत मतलब एक नोमैडिक ट्राइब का नाम है और ये सरमाटियन जो है ये हाईली डेवलप थे हॉर्समैनशिप में वॉरफेयर में और फिफ्थ सेंचुरी बीसी में इनका वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस भी था पूरी दुनिया के ऊपर ठीक है तो सरमाटियन जो है स्टेपीज में पाए जाते थे और ये सरमाटियन से ही ये सरमत मिसेल का नाम आया है ये भी आप ध्यान दीजिएगा अगला है जीरो शार्डो डे ऑन ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल यानी कल एट ट्वेल्व सेवन पी एम स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट द तमिलनाडु साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कोटूपुरम जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किए थे एंड सन का पोजीशन को मेशर भी किया क्या होता है जीरो शैडो डे व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड हेड देखिए इस दिन एक पर्टिकुलर टाइम पर मतलब ट्वेल्व सेवन पी एम को शेडो क्रिएट नहीं होगा क्योंकि सन जो है हमारे ठीक ऊपर आएगा नाउ द जीरो शेडो डे इस डे ऑन विच सन नॉट कैश ए शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द नून इस टाइम पर सन किसी भी तरह का शेडो को कैस्ट नहीं करेंगे एंड वेन द सन विल बी एग्जैक्टली एट दैनित पोजिशन इस पोजिशन को जेनित पोजिशन भी बोलते हैं ध्यान दीजिएगा नो जीरो शाडो डे साल में दो बार होता है फॉर लोकेशन बिटवीन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ एंड ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री साउथ लेटिट्यूड्स एंड द डेट्स विल वेरी ऑन डिफरेंट लोकेशन ऑन एयर तो बेसिकली दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर के बीच में जो एरियाज है उधर अलग अलग डेट्स में जीरो शाडो डे होता है ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल ट्वेल्व सेवन पीएम को तमिलनाडु में यह हुआ था तो जीरो अगला है, हुआ है तो अगले पांच साल के लिए भी फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब रहेंगे मरिन ले पेन इनको केवल फोर्टी टू परसेंट वोट मिला वैसे काफी न्यूज फैला था दोस्तों इस साल, का चांसेस है करके पर यह हुआ नहीं मैक्रोन इज द फर्स्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट टू विन ए सेकंड टेम फॉर टू डीकेट्स देखिए पिछले टू डी से कोई भी फ्रांस के प्रेसिडेंट सेकंड टेम जीते नहीं थे तो मैक्रोन पहला फ्रेंच प्रेसिडेंट है टू विन ए सेकंड टेम फॉर टू डीकेट्स साथ साथ में फ्रांस का मैप भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रांस एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है कौन कौन से कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं देखिए बेल्जियम लगजमबर्ग स्विट्जरलैंड इटली एंड स्पेन और वेस्टर्न है, है, और फ्रांस के कई सारे ओवरसीज टेरिटरी भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए साउथ अमेरिका में फ्रांस का एक ओवरसीज टेरिटरी है उसका नाम क्या है अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है फॉर हिस्स सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन एंड सोसाइटी एट द एटी एनुअल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड सेरेमनी इन मुंबई देखिए यह जो अवार्ड है यह पहली बार दिया जा रहा है इन द मेमोरी ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर जिनका डेथ हुआ था फेब्रवरी सिक्स को आप सबको पता है नौ ये जो अवार्ड है यह सेटअप किया है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल ये अवार्ड दिया जाएगा

आंध्र प्रदेश स्टेट को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिला है फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मलेरिया एलिमिनेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट तो आंध्र प्रदेश स्टेट मलेरिया एलिमिनेशन के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रैक्टिसज इंप्लीमेंट किए जिस वजह से आंध्र प्रदेश स्टेट का जो मलेरिया काउंट है काफ़ी डिक्रीज हुआ है अगर आप देखोगे 2018 में आंध्र प्रदेश में 6040 मलेरिया केसेस थे और 2021 तक वो 1, थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी नाइन हो गया इसे सेंडर ने रिकोगनाइज किया है और बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड भी दिया है आंध्र प्रदेश को अब ये जो अवार्ड है ये वर्ल्ड मलेरिया डे प्रोग्राम के दिन दिया जाएगा वैसे वर्ल्ड मलेरिया डे कब है ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल को है यानी आज ठीक है नौ ये टोटल ऑफ सेवेंटी फाइव लाख मलेरिया टेस्ट कंडक्ट किए थे 2025 में आंध्र प्रदेश के अंदर और इसमें केवल 1139 केसेस रिपोर्ट हुए थे वैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट काफी सारे अच्छे अच्छे काम किया है मलेरिया को इिलिमिनेट करने के लिए जैसे कि इन्होंने 26 लाख ,00 मॉस्किटो नेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है आंध्र प्रदेश का उन्होंने पंचायत राज रूरल वाटर सप्लाई एंड म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स के साथ कोलाबरेट करके हर विलेज में अलग अलग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए थे लाइक फ्राइडे ड्राइडे नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट ये जो फ्राइडे ड्राइडे प्रोग्राम में क्या होता है ना दोस्तों हर फ्राइडे को हर एक फैमिली को अपना घर क्लीन करना है ठीक है तो ये फ्राइडे ड्राइडे प्रोग्राम काफ़ी एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था मलेरिया एलिमिनेशन के प्रति तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा एंड दिस ईयर सो फॉर ओनली 117 मलेरिया केसेस रिपोर्टेड तो 2022 में अभी तक केवल 117 मलेरिया केसेस रिपोर्ट हुआ है आंध्र प्रदेश में फाइनल न्यूज़ फर्स्ट पंचायत टू बिकम कार्बन न्यूट्रल जम्मू एंड कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट में पल्ली विलेज पंचायत जो है देश का पहला पंचायत बना है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है जितना कार्बन आप एमिट करते हो उतना ऑब्जॉर्ब ही करना उसके लिए दो तरीके दोस्तों या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करेंगे या तो आप अपना कार्बन एमिशंस को कम करो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपका जो फोसिल फ्यूल बर्निंग है वो कम करना पड़ेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा अब ये पली विलेज पंचायत जो है दोस्तों ये फुल्ली पावर्ड है भाई सोलर एनर्जी इधर एनर्जी के लिए फोसिल फ्यूल बर्न नहीं किया जाता है इसलिए ये कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी बन चुका है वैसे दोस्तों आपको पता होगा सी ओ जब हुआ था लास्ट ईयर ग्लासगो स्कॉटलैंड में तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कमिट करके आए थे 2070 तक इंडिया भी कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनेगी वैसे ये काम आसान नहीं है फिर भी हमें करना है वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक कंट्री है जो कार्बन न्यूट्रल है हमारे आसपास है वो कौन सा कंट्री आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उधर पहुंचे थे एक 500 हंड्रेड का सोलर प्लान भी इनोग्रेट किया और ये सोलर प्लान जो है ना दोस्तों ये तीन वीक के अंदर ही कंप्लीट किया था ये भी एक अचीवमेंट है पल्ली विलेज पंचायत के लिए नौ पल्ली ए मेजर स्टेप टूवर्ड्स ग्लास्गो गोल ऑफ मेकिंग इंडिया कार्बन न्यूट्रल तो देखिए दोस्तों पल्ली विलेज पंचायत एक एग्जाम्पल है बाकी सारे पंचायत के लिए इसी तरह काम करना चाहिए तब जाके हमारा जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने का वो पॉसिबल होगा तो दोस्तों दैट सेंड ऑफ इट आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ लक्ष्य की पीडीएफ एज सूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई डे